नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रामनवमी पर्व में विधि व्यवस्था के संधारण व उपद्रयों से निपटने के लिए वीडियो अमित कुमार मिश्रा और थाना प्रभारी के संयुक्त नेतृत्व में सशस्त्र बलों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। रायडी थाना परिसर से बस स्टैंड होता हुआ शहीद बख्तर साहब मुंडल सिंह चौक तक फ्लैग मार्च किया गया। वीडियो अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से और अनुशासन में रहकर त्यौहार को मनाएं। कोई भी उपद्रवी या उन्माद फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि प्रेम पूर्वक भाईचारगी माहौल में त्यौहार मनाएं। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रहेगी। तो विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस तरह का अफवाह में नहीं आना है। इस तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिस शांति व्यवस्था खराब हो। इसी प्रकार का हम सभी से अपील करते हैं, शांतिपूर्ण माहौल में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हम लोग रामनवमी पर्व को मनाएंगे और आशा करेंगे कि हम लोग इस वर्ष भी पूर्व की तरह शांतिपूर्ण माहौल में इस त्यौहार का आनंद। वी टाइम न्यूज़ के लिए रायडी गुमला से संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट।